किसान बेचारा किस्मत का मारा कहर बनकर गिरी कड़कड़ की ठंड ने किसानों की उड़ा दी नींद। नाथ सरकार इन किसानों की बनेगी मसीहा। शीत लहर की चपेट में आने से खेतों में खड़ी फसल हुई नष्ट। किसान देंगे मुआवजे के लिए ज्ञापन। कानड़ शुक्रवार और शनिवार से चल रही शीत लहर के कारण किसानों की फसल ठंड की चपेट में आने से नष्ट होगी। यहाँ तक कि किसान आलू और चने की फसल को नहीं बचा सके। बोरखेड़ी रोड स्थित किसान केशव सिंह दरबार, भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, सत्यनारायण, हरिचरण नंदलाल व्यापारी के आलू बैंगन की फसलें जल गई। मर वही रमेश सिंह ठाकुर 20 बीघा, दुर्गा प्रसाद ठाकुर आदि किसानों ने बताया कि फसल का सर्वे कर शासन से मुआवजे की मांग की जाएगी। किसानों ने बड़ी मेहनत से अपनी फसल को तैयार किया था जिसमें दवाई और बीज की लागत भी निकलना मुश्किल है। किसान भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मेरी फसल डॉलर चने की करीब 70-80% का नुकसान हो चुका है। मैंने अक्टूबर माह में फसल हुई थी जो सबसे पहले बुवाई की गई थी, लेकिन अब फसल जल जाने से आगे संभावना नहीं है। चने की फसल में फूल और कुछ में दाने भी बन रहे थे, लेकिन ठंड के प्रकोप से डॉलर चने शीत लहर की चपेट में आने से जल गए। फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर भी किसानों के द्वारा जानकारी देना चाहिए, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। सोमवार को फसल के नुकसान की सूचना शिकायत पत्र के साथ किसानों के द्वारा कानड़ में नायब तहसीलदार को दी जाएगी और फसल के नुकसान का सर्वे पटवारी के द्वारा करवाए जाने की मांग की जाएगी ताकि किसानों को फसल नुकसान का लाभ मिल सके। वही ग्राम कुंडल खेड़ा के किसान जगदीश गुर्जर ने बताया कि आलू की फसल ठंड के प्रकोप से जल गई। सिंगावत के सरपंच विष्णु गुजर ने बताया कि गांव में चना की फसल पूर्णतः जल गई है। किसान अपनी फसल के मुआवजे की मांग कर रहा है। किसान सामूहिक रूप से आगर कलेक्टर को ज्ञापन सोमवार को देंगे। कानर आगर मालवा से मुकेश बी व्यापारी की रिपोर्ट। नष्ट हो चुके हैं डॉलर चने हैं और ये पूरा खेत जो दिखाई दे रहा है इस कोने से लगाकर उस कोने तक जिनमें पीली पीली सरसों दिखाई दे रही है ये पूर्णतः सारे चने नष्ट हो गए हैं। किसान कुछ नहीं कर सकता है अब इनका और न ही इनमें कुछ इनकी जो लागत लगी है वो लागत भी नहीं मिलने वाली है और पूर्णतः 20 बीघे के इनके खत्म हुए हैं और 20 बीघे के इनके भाई राजेन जी के भी समाप्त हो चुके हैं। ये इनके पास में ही उनका इधर पास में ये यहाँ पर इनको पानी दे रहे हैं किसान कि ये बच जाएंगे और अब बचने का नाम नहीं और पूर्णतः ये सारे चने समाप्त हो चुके हैं। खेत में सारे यहाँ से देखो उस कोने से लगाकर इस कोने तक पूरे जो चने हैं वो समाप्त हो चुके हैं। जब एसएससी न्यूज के संवाददाता वहाँ पहुंचे और स्पॉट पर खेत का जायजा लिया तो ये किसान ने चने बताए इन चने में कुछ नहीं है, ये पूर्णतः ये समाप्त हो रहे हैं। ये सारे ऐसे कुछ नहीं बचा इनमें और ये समाप्त हो गए हैं। ये दोनों भाई खेत के पास में हैं और खेती करने वाले भी यहीं पे घूम रहे हैं और इनके चने की हालत ऐसी हो गई है ना तो इसका जो भूसा निकलेगा उसे पशुओं को भी नहीं खिला सकते हैं क्योंकि ये कड़वे लग रहे हैं, इनके खाने पर इनका स्वाद हीन हो गए हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रामचंद्र है। तो रामचंद्र जी आपके भी क्या चने आने जले क्या? बिल्कुल जले सर। कितने बीघे के चने जल गए आपके? ये 25 बीघा के जल चुके सर। 25 बीघा के चने जल गए हैं तो इसमें कितने परसेंट चने जले आपके? सर ये डॉलर और विशाल दोनों के बाए थे हम लोगों ने, लेकिन विशाल चना तो हमारा 50% नष्ट हो चुका है सर क्योंकि ये आगाती बावनी थी। उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो फल आ गए थे इसमें ये पूरे बर्फ जमने के कारण सब पूरा नष्ट हो गया इसमें। अब हम तो यही इच्छा करते हैं कि इसमें सरकार से अनुरोध करते हैं कि कुछ हमें मिले राशि राहत के लिए। तो आपका अनुरोध नई सरकार बनी वो स्वीकार करेगी? सर आप वोट तो इसलिए देते ताकि हमारा कुछ भला करे सरकार, लेकिन आगे उनकी इच्छा है पर हम तो यही आश लेके खड़े हैं सर। तो अभी तक आपके चने को देखने के लिए कोई आया? कोई भी नहीं आया सर, अभी तक कोई नहीं आया है और हम इतने परेशान है कि दुखी हो गए सर। तो इसकी सूचना दी आपने किसी को? सर अब आज तो संडे है, रविवार है सर, अब करेंगे कल बात। हम ये चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से सर सरकार तक हमारी बातें पहुंचे और हमें जितना भी ये इसमें भुगतान हुआ है वो राशि हमें प्राप्त हो सर, यही चाहते हैं हम लोग। बराबर आपकी बात ये सरकार तक पहुंचाई जाएगी। रामचंद्र जी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह जी जिस खेत में खड़े है खेत आपका ही है? हाँ। ये कानड़ से कितने किलोमीटर दूर है? ढाई किलोमीटर। ये काय में लगता है खेत आपका? ये
सामगी हल्के की बोरखेड़ी, सामगी पंचायत के बोरखेड़ी में लगता है। बोरखेड़ी में लगता है। कौन से चना बोया आपने खेत में? डालर है और काकटू। कितने बीघे बोए आपने? 20 बीघे। 20 बीघे के चने बोए आपने। तो क्या चने आपके क्या पाले में जल गए क्या? हाँ भाई साहब, आपने देखे तो सही, सब तो जल गए। तो अब आप क्या करोगे चने जल गए तो? आपको सूचना दी, एक तहसील में ज्ञापन देंगे। अच्छा, तहसील में ज्ञापन देंगे? पटवारी और पटवारी साहब को और ग्राम सेवक जी को सूचना देंगे। इधर आपके चने चलेगी, आसपास और किसी के भी चले? ये पहले के थे इस कारण से। अच्छा, ये बताइए कि आपने ये चने 20 बीघे में आपका कितना खर्चा हुआ? इसमें करीबन 2 लाख के आसपास का खर्चा आ गया, खाद बीज का, दवाई का। अब ये आपके चने तो सभी नष्ट हो गए हैं। हाँ। तो क्या अब आप इन्हें बीज वगैरह निकल पाएगा इसमें से? नहीं निकलेगा। तो अब क्या आप शासन से इसकी मांग करेंगे क्या? तो वो तो करेंगे इसे। तो क्या आपको किसानों को शासन कुछ मुआवजा वगैरह देगा? उम्मीद तो है, अभी तक तो देते आए थे। और अब? अब कभी नई सरकार है, मालूम भी नहीं है। ये तो ऐसा नहीं है आपकी फसल नष्ट हो गई है और आप ज्ञापन देंगे और आपको आप गुहार लगाएंगे? क्या आपके इधर पटवारी निरीक्षण करने के लिए आए? अभी तक नहीं आए, सरकारी अमले से कोई भी नहीं आया। आपने इसकी सूचना दी? अभी तो दी नहीं, आज तो रविवार था, कल अच्छा। जाके पटवारी साहब को और ग्राम सेवक को सूचना देंगे। तो आस पास के जितने भी किसान, उनका भी नुकसान हुआ है? डॉलर में ज्यादा हुआ है और बाकी विशाल में 40-50% नुकसान हुआ। कितने प्रतिशत नुकसान हुआ आपका? डॉलर में तो करीबन 70-80% नुकसान है। हाँ, और विशाल में 30-40% का नुकसान है। तो आप इस नुकसान को तहसील में ज्ञापन देंगे? हाँ। या पटवारी से इसका मुआयना करवाएंगे? हाँ। आप सरकार से क्या चाहते हैं? जो कोई सहयोग राशि मिल जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।